Hello and welcome. You're watching Business Today TV. I'm Sakshi Batra. Well, Ruchi Soya, the FMCG business of Patanjali Ayurveda, which was the recently acquired beleaguered company, an FPO was launched in the month of April. And now the news coming in that Ruchi Soya and its board have decided that the company will be acquiring the FMCG business, the food retail business of Patanjali Ayurveda, for a consideration of 690 odd crore rupees. The name of the company, Ruchi Soya, will also now change to Patanjali Foods. Now, to discuss more about what this agreement and the broad contours of this agreement are, I'm going to be joined by two very special guests on the show. Swami Ramdev joins in. Also, Mr. Sanjeev Astana, the CEO of Ruchi Soya, join in. Welcome to both of you, and thank you so much for taking out the time. Swamiji, first I would like to speak to you about the broad contours of this agreement. Hamare sabhi darshakon ko ye samjhaiye ki is deal ke baad kis tarike ki opportunities companies ke liye develop hongi, kya synergies honge is acquisition ke baad, aur dono companies ke beech mein ab kaise aage badhegi growth ki jo territory hai, aur saath hi saath agar aap dekhe to dono ke businesses mein ab kaise synergies aage honge. तो आज की इस बिजनेस टुडे में 10 ब्रेकिंग्स यदि बोलें तो 690 करोड़ में ये जो इसका अमाउंट बोलें तो 4174 करोड़ रुपए का ये बिजनेस हमने रुचि सोया को देने के लिए आज बोर्ड मीटिंग में हमने इसको अनुमति दी है। दूसरी बात, इसका जो फ्यूचर है बहुत बड़ा है, माने अगले साल तो 5000 करोड़ प्लस का हमारा है ही। आप यदि एक एक का मार्केट साइज देखेंगे, जो हमने 8 वर्टिकल और 500 536 हमने इसके अंदर SKUs दिए, इसका मार्केट साइज होगा कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का। क्योंकि जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड बहुत चलता है इंडिया में, अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एडल्टेशन बढ़ रहा है, लोगों को जो है अच्छे ब्रांड्स के ऊपर लोगों की लॉयल्टी जम रही है, और पतंजलि पर तो निर्वाधित रूप से बहुत बड़ा लोगों का ट्रस्ट है। फिर अगली बात, इसमें पूरा का पूरा जो है जो मार्केट साइज के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें जो, तो पतंजलि गाय का घी करीब 70% मार्केट शेयर हम लोग लेते, यदि आंवला एलोवेरा गिलोय जूस की बात की जाए तो 80 से 90% आंवला एलोवेरा गिलोय जूस पतंजलि का ही बिकता है जी। यदि हम च्यवनप्राश की बात करें तो करीब जो है 40% मार्केट शेयर, उसको हम बढ़ाएंगे अभी, वो पतंजलि के पास है। यदि हम बाकी और मेडिकेटेड जूसेस की बात करें, कुछ बहुत कुछ इसके अंदर हमने डाला है जी। फिर एक यूनिक हमारी वो है कि बिना पॉलिश की नेचुरल दालें, हाई फाइबर आटा, और डिजीज के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग प्रकार के आटा बनाए हुए हैं जी। डायबिटीज के लिए मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन जो है पूरा दलिया, तो जो मिलेट्स खाने के लोगों में का जो रुझान बढ़ा है उसमें बहुत बड़ा हमारा आटा का, दालों का एक पूरा का पूरा वर्टिकल है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, और इसके एबिटा की बात की जाए तो 15 से 20% का ये मार्जिन का बिजनेस है, जो हम 662 करोड़ रुपए का जो एबिटा का बिजनेस है उसको हमने दिया है। तो अपने आप में यदि इसको कैपिटल मार्केट के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू बैठती है, लेकिन हमने सेल में दिया है इसको, केवल एक ही मकसद था कि रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और हम यदि इसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो लगभग 5 लाख स्टोर्स पर हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, 5000 से ज़्यादा अभी तो छोटे स्टोर भी हमने और खोले हैं ग्रामीण आरोग्य केंद्र, तो 5 से 10 हज़ार के बीच में हमारे खुद के स्टोर्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा स्टोर्स के ऊपर इनडायरेक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जी। तो इतना बड़ा बड़ा काम है कि इसको हम यदि कहते जाएंगे तो आप सुनते चले जाएंगे, लेकिन ये फूड और FMCG रिटेल में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। पतंजलि फूड्स नाम हमने दिया है अपना, रुचि सोया नाम अपने आप में बहुत अच्छा था, 50 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन पतंजलि फूड्स नाम आने के बाद में एक वर्ल्ड में नया कीर्तिमान बनेगा, एक वर्ल्ड ब्रांड बनाएंगे हम इसको, फूड का, FMCG का, एग्रीकल्चर का। साक्षी जी, बिल्कुल
अस्थाना जी, एक सवाल आपसे भी। अभी बाबा जी ने बहुत ही अच्छे से हमारे सभी दर्शकों को बताया कि ये जो अग्रीमेंट हो रहा है ये कैसे होगा, इसके आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, लेकिन जो वैल्यूएशंस का पार्ट है इसके ऊपर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो ये वैल्यूएशंस की बात हुई है, ये वैल्यूएशन कैसे अराइव हुई है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल। सो ये जो बेसिक प्रोसेस है, इट्स अंडर द स्लम सेल एग्रीमेंट विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रांसफर अ बिजनेस। एंड सो वी हैव गॉन थ्रू द कंप्लायंस प्रोसेस, बेसिक आइडिया बीइंग ऑल द एसेट्स एट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू एंड ऑल द इन्वेंट्री दैट द बिजनेस इज होल्ड विदाउट एनी लाइबिलिटीज ऑफ द पास्ट। सो नन ऑफ द लाइबिलिटीज विच पतंजलि मे हैव हैड, नन ऑफ दैट कम्स टू रुचि सोया। Any of the disagreements or otherwise they may have, disputes, etc., that is totally ring-fenced. So we get a basically under slump sale, clean asset transfer, clean sort of inventory, where, you know, work in progress, the finished goods material, etc., that gets a clean transfer. So it's a very efficient way of making a business transfer, which is what we have gone through, and under the income tax, the permitted rules. राइट बाबा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने हमेशा ये सपना दिखाया है सभी दर्शकों को, भारतीयों को, कि पतंजलि का एम है देश की स्वदेशी सबसे बड़ी आयुर्वेदिक सबसे बड़ी एफएमसीजी बनने का, एफएमसीजी कंपनी बनने का। अब इस अधिग्रहण के बाद कैसे वो अब पूरा होगा आपका सपना, और कितनी जल्दी पूरा होते हुए हमें दिखेगा? ख़ासतौर पर इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ कि कई और बड़े कंग्लोमरेट्स भी अब इस स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन भी आगे जाते हुए बढ़ जाएगा, तो उस लिहाज से हमें थोड़ा समझाइए कि कैसे आपकी आगे दिशा बढ़ेगी। साक्षी जी, इन टू लाइंस, नो कंपैरिजन विद अदर्स एंड नो कंपटीशन। वी आर डूइंग द होल वर्क विद सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा, और एक दो चीजें छूट गई थी उनको मैं जोड़ देता हूँ कि नॉन कंपीट एग्रीमेंट के साथ हमने पूरा बिजनेस ट्रांसफर किया है, और इसमें कोई भी लाइबिलिटी, माने कोई डेट की या कोई किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी पतंजलि की रुचिसया पर नहीं होती, एक बड़ी बात है। जो आपने बात कही, यहाँ ये सपना है हमारा साक्षी जी, कि हम एक आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में पतंजलि को लेकर के चल रहे हैं। और माना कि कुछ देशी विदेशी और भी दूसरे ब्रांड हैं, तो देशी का तो सबका स्वागत है, लेकिन थोड़ा विदेशी से कोई नफरत नहीं है हमारी। लेकिन एक पूरा पिछले दिनों हमने एक डाटा पूरा रिसर्च करके तैयार किया कि किस तरह से करीब पहले में 1,000,00,000 करोड़ की लूट बोलता था तो लोगों को भरोसा नहीं आता था। करीब 3,000,00,000 करोड़ की लूट तो अकेले ब्रिटिशर्स ने की, बाकी मुगलों ने, शकुनों, हुनों ने और पुर्तगालियों ने जो की वो सो अलग है। तो ये पूरा का पूरा हमारा संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं ऑब्वियसली जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स है, रेगुलेशन है, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको भी जो है प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आज भी देखो पूरे दुनिया का जिस तरह से शेयर मार्केट ध्वस्त हुआ है, इंडिया में भी जिस तरह से लोगों को शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, 30 से 40 लाख करोड़ के बीच में लोगों को इंडिया में लॉस हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइज करीब 1,100,00,000 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, $15 ट्रिलियन का। अब ऐसे में यदि हमारे प्रति लोगों का विश्वास है, पतंजलि में, रुचि सोया में लोगों का विश्वास है, तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हम यही करना चाहते हैं कि हम फूड से लेकर के, कॉमोडिटी से लेकर के, न्यूट्रास्यूटिकल से लेकर के, पाम प्लांटेशन से लेकर के, फिर जो पतंजलि का कोर बिजनेस अभी आगे उसमें शेष चलेगा, वह हर्बल कॉस्मेटिक का केशकांति, दंत कांति, और जो हमारे हर्बल मेडिकेशन हैं, पूरी दुनिया अब प्रकृति की ओर, निसर्ग की ओर लौट रही है, तो हम मूल प्रकृति और मूल संस्कृति के उपासक हैं, और उस तरफ देश को और दुनिया को आगे लेकर के जाएंगे, और जो भी समृद्धि हमें मिलेगी उसको सेवा में लगाएंगे, ये हमारा विजन है साक्षी जी। बिल्कुल बाबा जी, एक और फॉलोअप सवाल, जैसे अभी आपने बताया पाम प्लांटेशन और कई और सेक्टर्स में आप और आगे प्रोग्रेस करेंगे, इसी के ऊपर एक सवाल यही था, क्योंकि हाल में हमने पूरी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखी है, एक इसके बाद भारतीयों के लिए खासतौर पर, क्योंकि भारत वेजिटेबल ऑयल्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी माना जाता है, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो प्राइस राइज हुआ है उसका इम्पैक्ट भारतीयों पर काफ़ी पड़ा है, तो उसके लिए क्या वहाँ पर कुछ भारतीयों को थोड़ा रेस्पाइट मिले राइजिंग प्राइसेस से, इन्फ्लेशन से, महंगाई से, उसके लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो? इंडोनेशिया, मलेशिया कभी भी भारत को धोखा दे सकते हैं, बीच में उन्होंने किया भी है, अभी भी बहुत क्राइसिस चल रहा है,
तो हमारे पास में दो तरह के ब्रांड हैं, एक तो मासेज के ब्रांड हैं और दूसरा क्लासेज के। तो मासेज के ब्रांड लोगों को सर्व करने के लिए अफोर्डेबल प्राइस में उनको चीज़ें मिलें, और क्लासेज के जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो इसलिए हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि सारी दुनिया तो मुनाफे के पीछे काम करती है। तो दोनों का हित देखते हुए मासेज का और क्लासेज का, रिटेलर्स का और कंज्यूमर्स का, और ख़ास करके जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका, और अंततोगत्वा देश का हित सोचते हुए जो भी हम अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं उतना हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये बात तो सच है साक्षी जी कि इस समय ख़ास करके कमोडिटी मार्केट में, फूड में, एफएमसीजी में बड़े चैलेंजेस हैं। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसमें इन चैलेंजेस के बीच में बहुत कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उसको हम जितना एड्रेस कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं साक्षी। बिल्कुल मिस्टर अस्थाना, वन मोर क्वेश्चन आई हैड एज अ फॉलो अप ऑन द एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ओनली, इफ यू कुड गिव अस अ सेंस ऑफ व्हाट इज द प्राइस आउटलुक हियर गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। ऑफ कोर्स द एफर्ट्स डन बाय रुचि सोया पतंजलि फूड्स व्हिच विल नाउ बी नेम्ड इट एज वेल एज एंटायर पतंजलि ग्रुप एज वेल इज यू नो फोकस टुवर्ड्स इट, बट गोइंग फॉरवर्ड इन FY23 व्हाट इज द आउटलुक दैट यू सी हियर। So I'll pick up for the the edible oil on the macro front. What are the challenges, and then what is the outlook for India we can expect? So clearly, that this whole Russia-Ukraine issue is going to have a big impact because they're nearly 60% suppliers of sunflower oil to the world. So that's having an immediate impact. We've had massive losses in South America, almost nearly 40 million tons of crop is lost in Brazil and Argentina and other places. And likewise, there are challenges in India as well. Mm. So, despite all the larger crops, we're clearly seeing that's a visible. And Indonesian ban, I want to mention here, which is still continuing. So there's no easing on the ban of the oil supplies. Now, what it does is that creates a perfect storm for India of all the things which can potentially go wrong on the supply side, which is having an impact on the prices. Mm. But my expectation is that the prices have come off by nearly $200 in last 4 weeks. I'm expecting that it will continue to go down, so which is beneficial for the customers and the consumers in India. So hopefully we will see better times. But right now I would say that we should brace ourselves on the commodity front, especially in edible oils and grains, especially wheat, that of some bit of inflationary pressures will remain on the economy. And I think government is also working. We from our side are continuously supporting the consumers and working with the government closely. Mm. That our MRPs are very consistent. It's on a pass-through basis we work. So there is no undue profiteering, but we continue to support the market. Mm. But I would imagine that we should prepare ourselves for continued bullishness in the edible oil complex for next several months. It's not going to ease away. ओके बाबा जी, आपसे एक और सवाल ये था कि अब जब रुचि सोया का नाम भी चेंज होके पतंजलि फूड्स हो जाएगा, तो जो रुचि सोया के अंडर जो प्रोडक्ट्स दिए जाते थे जिनका ब्रांडिंग रुचि सोया के नाम से भी था, क्या उन सब में भी चेंजेस होंगे? कैसे पैकेजिंग चेंज होगी और कब तक ये संभव होगा? टाइमलाइन हमें बता दीजिए कि कब तक इस अग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन होगा। देखो, जिस स्पीड से हमने काम किया साक्षी जी, चाहे हमने पहले इस कंपनी को जो है NCLT प्रोसेस से जिस तरह से हमने टेक ओवर किया, जिस तरह से इसका टर्न अराउंड किया, जिस तरह से हमने उसके अंदर फूड बिजनेस दिया, जिस तरह से हमने पतंजलि फूड्स नाम देने का इसके जो है ये हमने डिसीजन लिया, जिस तरह से अब ये फूड बिजनेस पूरा ट्रांसफ़र करने का हमने डिसीजन लिया, ये सारे डिसीजंस बताते हैं हम कि हम किस स्पीड से काम कर रहे हैं। और अभी जो आपने प्रश्न पूछा था उसका थोड़ा एक छोटा सा अंश छूट गया था कि आगे का फ्यूचर क्या है एडिबल ऑयल का। तो इंडोनेशिया मलेशिया तो कभी भी खड़ा कर सकता है हाथ। तो 15 लाख एकड़ जमीन में पाम प्लांटेशन का हमारा प्रोजेक्शन है, पूरे देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का। उसमें कुछ तो 6 महीने की हमारी फसलें होती है, लेकिन ये पाम प्लांटेशन वाला ऐसा काम है, तीन साल में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, 5 साल में फुल फ्रूटिंग आती है और करीब 40 साल तक चलती है जो नई उपज आई। तो ऐसे हमारा जिस स्पीड से एग्जीक्यूशन चल रहा है, इस पूरी 147 सालों की हिस्ट्री में स्टॉक एक्सचेंज की इतना स्पीडली काम शायद ही किसी कंपनी के अंदर हुआ हो। क्योंकि हमारा मूल ही मंत्र होता है विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जो करना है वो करना है किसी भी कीमत पर, कम से कम समय में, लेस जो है प्रॉमिस ओवर डिलीवरी वाला जो एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, हम उसके ऊपर 100 नहीं उसके ऊपर 1000 गुना खरा उतरते हैं। तो इस गति से हम काम कर रहे हैं,
बाकी तो वक्त के साथ चीज़ें जो जो सामने आती रहेंगे आपको बताते रहेंगे। बहुत जल्दी इसी महीने के अंत तक आपको हम पिछले साल का भी पूरा जो है टर्नओवर, पूरा जो एबिटा है वो सब आप देखेंगे तो वह अपने आप में अप्रतिम होगा, अप्रत्याशित होगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा जिस दिन हम अपने ईयरली पूरे रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। साक्षी जी, बिल्कुल हम आपका स्वागत करेंगे तब भी और जानेंगे आपसे। उम्मीद यही करते हैं कि निवेशकों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे नतीजे भी। और अस्थाना जी, एक और सवाल मेरा आपसे था, आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस एक्विजिशन के बाद अब आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है और जो रेवेन्यू मिक्स है वो अब आगे जाते हुए कैसे दिखेगा, और क्या और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत है अभी शेयर होल्डर्स के बाद, कितना और समय लग सकता है? सो इसमें मेरे अनुमान है कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, शेयर अप्रूवल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स का कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है तो जो सारा रिक्वायरमेंट हमको करना ही है उसमें करीब 2 महीने का अनुमान है कि हम लोग कर लेंगे। लेकिन आपका जो आपने बताया कि प्रोडक्ट मिक्स का है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो अभी हमारा जैसे प्रोपोर्शन ऑफ फूड FMCG का जो था वो कुल अबाउट 8% था, वो इमीडिएटली फूड बिजनेस के एक्विजिशन से 20% हो जाएगा ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द रेवेन्यू। और प्रोग्रेसिवली टारगेट हमारा क्लियर कट ये है, और जो कि इंटरनली डिस्कशन हुआ है स्वामी जी का, एक प्रकार से एक विजन क्लैरिटी है कि हमको 50% रेवेन्यू जो है हमको फूड FMCG से बिल्ड करना है। तो उसकी तरफ वी कंटिन्यू टू वर्क, और 5 years में वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कंपनी विल बी वे लार्जर देन वॉट यू करेंटली सी, बिकॉज हम लोग का कंटिन्यूस एवरी ईयर आर ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी बिटवीन 10-15% ईयर ऑन ईयर। So we are hoping that, you know, we should be 50% FMCG portfolio and 50% of will be comprised with the commodity brands, etc. So they are also not pure commodity trading. We've got all the brands there. Okay, on that note, thank you so much, Mr. Asthana. बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी आपका भी हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को समझाने के लिए ये जो अग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या है और आगे जाते हुए क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। रुचि सोया के शेयर्स में आज अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली, और इसके बाद के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, कैसे दोनों के बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे, इन सभी के बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.